और इधर कोरोना के मामले भले ही कमजोर पड़ गए हों, लेकिन उससे होने वाली मौतें अभी भी नहीं थमी हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर लोग कोविड को हरा भी रहे हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों में अगर हम नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में 1,01,159 नए केस आए हैं, जो पिछले 45 दिनों में सबसे कम है। वहीं 1,73,831 लोगों ने कोरोना को हराया है, यानी कोरोना को हराने वालों का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। मगर बड़ी समस्या ये है, जो लोग कोरोना को मात दे रहे हैं उन्हें कई तरीके की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे ब्रेन फॉग यानी फोकस करने में दिक्कत, सिरदर्द, थकान, सांस लेने में परेशानी, इस तरह की तमाम समस्याएं हो रही हैं। लेकिन इन परेशानियों के अलावा कई मरीजों में गंभीर बीमारियों के लक्षण या तो दिखाई दे रहे हैं या तो उन्हें ये बीमारियां घेर गई हैं, जैसे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, हृदय रोग। कोरोना को हराने वाले मरीजों में अब तक केवल ये बीमारियां पाई गई, लेकिन अब कोरोना से ठीक हुए मरीजों में गैंग्रीन बीमारी भी देखने को मिल रही है। सिर्फ पटना एम्स में करीब 6 मरीज ऐसे हैं जो गैंग्रीन से ग्रसित हैं। किन मरीजों को ये बीमारी घेर रही है, क्या है इसके लक्षण, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल भी बाद में मौजूद होगा, और जब सुबह 11 बजे हम कोविड ओपीडी खोलेंगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये समझना जरूरी होगा कि कोरोना के बाद गैंग्रीन अटैक क्या होता है, गैंग्रीन अटैक सामने कैसे आया है, कोरोना से ठीक हुए कई मरीजों को इस नई बीमारी ने घेर लिया है, ब्लैक फंगस के बाद गैंग्रीन के मामले भी सामने आए, गैंग्रीन से हाथ पैर की उंगलियां खराब हो जा रही हैं, और कुछ ही दिनों में स्किन का रंग धीरे धीरे काला पड़ जाता है। और सिर्फ पटना में ही गैंग्रीन के 6 मरीज ऐसे सामने आ गए हैं जिन्हें गैंग्रीन हो चुका है। लेकिन ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपको कोई भी लक्षण असामान्य नजर आता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। अब हम ब्लैक फंगस के बारे में भी आपको बता देते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या, ब्लैक फंगस के केसेस कितने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में 6,003 ब्लैक फंगस के केसेस आ चुके हैं, राजस्थान में 2,500, कर्नाटका में 1,784, मध्य प्रदेश में 1,787, दिल्ली में 1,044, हरियाणा में 927, पंजाब में 669 और उत्तराखंड में 244 ब्लैक फंगस के मामले आ चुके हैं। और ब्लैक फंगस उन लोगों को हो रहा है जिन्हें कोरोना पहले हो चुका है, लेकिन एक्सपर्ट का यही कहना कि अगर समय रहते बीमारी पता चल जाए तो इलाज संभव है। और अब धीरे धीरे देखिए ब्लैक फंगस अपने पैर पसारना शुरू कर चुका है, और सबसे ज्यादा मुश्किल की बात यह है कि ये उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने पहले कोरोना को मात दिया है। अब राजस्थान में भी धीरे धीरे कोरोना के काम जो मामले हैं वो कम होने लगे हैं, और अस्पतालों में अब मरीज भी धीरे धीरे कम हो गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस और कोरोना की तीसरी लहर के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। अलर्ट में कहा गया है कि व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है, चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। कमी देखने को मिल रही है, रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ जयपुरिया अधीक्षक डॉक्टर सुनीत राणावत जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले कोरोना की बात करेंगे, क्या स्थिति है जयपुरिया की अभी? पहले से काफी बेहतर है और केसेस भी काफी कम है। जहां हमारे यहाँ करीब 200 से ज्यादा पेशेंट्स रहते थे, आज वो उसका आंकड़ा 60 से कम है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि पहले से स्थिति बहुत बेहतर और कंट्रोलेबल है। एक ब्लैक फंगस का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, 200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। जयपुरिया में अभी तक कितने मामले आ चुके हैं और कितना सफल ऑपरेशन अभी तक लोगों का किया जा चुका है? जयपुरिया की जहाँ तक म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की आप बात करते हैं, इसको एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखा गया है अभी इसको कोरोना महामारी के बाद में। तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ की जो टीम, यहाँ का स्टाफ और यहाँ के डेडिकेटेड जो वर्कर्स हैं, सर्वप्रथम मैं सोचता हूँ कि उन्होंने ऑपरेशन राजस्थान में अगर करा है तो जयपुरिया अस्पताल में किया है, तो वो सारी टीम हमारी बहुत बधाई की पात्र है, उससे हमको काफ़ी अप्लॉड भी मिला। उसी परिप्रेक्ष्य में बता दूं, क्योंकि जगह छूटी है, तो तकरीबन हमारे पास हम अब तक 29 पेशेंट भर्ती कर चुके हैं, जिसमें से 18 के बहुत सफल ऑपरेशन किए हैं, और दो और ऑपरेशन परसों या कल मंडे है, कल हम मंडे को करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 20 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका इस अस्पताल में ऑपरेशन हो जाएगा। सर, थर्ड लहर को लेकर भी चिकित्सा विभाग पूरा अलर्ट मोड पर आ गया है। थर्ड लहर आती है तो कहना बच्चों में संक्रमण बढ़ेगा, और जो आयु वर्ग के लोग हैं 18+ के, उनमें भी संक्रमण बढ़ने के संकेत दे दिए। ऐसे में अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी चिकित्सा विभाग की ओर से कहा गया है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि चिकित्सा विभाग में जितना तरक्की हुई है वो काफी सालों में नहीं हुई। कोरोना वेव से लड़ने महामारी की तरफ से हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला है, हमारे स्टाफ का भी सपोर्ट मिला है, डेडिकेशन जो होना चाहिए वो हर लेवल पे मिला है। यहाँ मैं बता दूं, जो पहली वेव के बाद सेकंड वेव आई उसको बहुत अच्छी तरीके से हमारे स्टाफ ने टैकल किया,
मुझे एक भी ऐसा इंसिडेंस याद नहीं कि किसी भी ऑक्सीजन की कमी या नहीं देखने की वजह से कोई भी हमारे यहाँ अशांति प्रिय घटना घटित हुई हो। जहाँ तक आप थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, पहले तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि इस तरीके की वेव आई ना, और अगर कोई भी परिस्थिति आती है, और जब बच्चों की अगर बात करते हैं, इस जयपुरिया अस्पताल में हमने रोज राउंड ले रहे हैं, हम रोज इस बात में सोचते हैं कि किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति से निमटने के लिए ना केवल हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट, हमारे उससे जुड़े हुए डिपार्टमेंट, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो पीएमआर डिपार्टमेंट हो, चाहे इमरजेंसी के अंदर हमारे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस हों, सब पूर्णतः तैयार है, मेंटली भी, फिजिकली भी। और आप खुद देख रहे हैं यहाँ का वातावरण अभी जयपुरिया के अंदर आके पहले से कैसा है और क्या आगे का लगता है। ये थे जयपुरिया अधीक्षक डॉक्टर सुनील राणावत, जिन्होंने लोगों से भी अपील करी कि इस महामारी से घबराने की जरूरत नहीं है, अगर इस महामारी से निपटना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा, साथ ही साथ सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी होगी, तब जाके इस महामारी पर जीत हासिल की जा सकती है। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर।